पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय को दिए गए दो एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस व ब्लड डोनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में आयोजित एम्बुलेंस गोरक्षनाथ चिकित्सालय में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बधाई के पात्र है कि CSR के अंतर्गत गोरखपुर का चयन किया गया। गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय प्रदेश का सबसे बड़ा धर्मार्थ चिकित्सालय है। अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाने से मरीजों को काफ़ी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एम्बुलेंस सेवाओं के रिस्पांस समय को कम करने पर काम कर रही है। अभी यह समय 16 से 20 मिनट का है। इसी तरह से सामाजिक संस्थाएं जुड़ जाएं तो इसे 10 से 12 मिनट पर लाया जा सकता है। इस अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर KPV सिंह, पावर ग्रिड के कार्यपालक निदेशक RK सिंह, महाराणा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UP सिंह, डॉक्टर CM सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अभी आप यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्वागत है। मैं आदरणीय माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो खुद से गोरक्षनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का फाउंडेशन श्री RK सिंह जी भाई साहब हमारे चिकित्सालय के एडिशनल डायरेक्टर। अब मैं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप की तत्काल इच्छा और प्रयास से समाज के नीचे से नीचे व्यक्ति को तमाम इसी के अंतर्गत आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खुद के गोरखनाथ को चिकित्सालय को दो सामान्य एम्बुलेंस दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एक ब्लड डोनेशन वैन प्रदान कर रही है। इससे चिकित्सा सेवा में काफ़ी सुधार होगा और जो लोग समर्थ नहीं थे एम्बुलेंस सेवा पाने के लिए या एडवांस लाइन से सपोर्ट अपने स्थान पर पाने के लिए उसमें बहुत आपको मदद मिलेगा सफलता मिलेगी। काफ़ी ब्लड डोनेशन वैन से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्लड डोनेशन देते जो असमर्थ लोग हैं उपलब्ध करा सकते हैं उनको भी आसानी से ब्लड मिले। इसके लिए मैं महाराज जी का आभारी हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए श्री RK सिंह जी कार्यपालक निदेशक कॉर्पोरेशन आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ कि आपके प्रयासों से एक एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध है। अब मैं गोरखपुर के श्री विजयन पांडियन का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और इस कार्य जो कि अपने आपका भी काफ़ी सहयोग रहा है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के उपस्थित अधिकारी गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के प्रामाण चिकित्सा कर्मचारी गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पटेल की और प्रशिक्षण
तथा सभागार में उपस्थित नगर के सम्भ्रांत देवियों और सज्जनों तथा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री आर के सिंह जी, और हम आभारी हैं निदेशक महोदय के, उन्होंने 5 एम्बुलेंस लेकर के आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन से हम कार्यक्रम में उपस्थित है। पावर ग्रिड के कार्यपालक निदेशक से आर के सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुख्य महाप्रबंधक पावर के नवीन श्रीवास्तव जी, आदिमाली के महन जी, चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर के पी के सिंह जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सी एन सिन्हा जी, नर्सिंग से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षण बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए यह इसके लिए महत्वपूर्ण है कि पावर ग्रिड के द्वारा अपने सीएसआर के कार्यों के लिए से उत्तर प्रदेश का चयन हुआ, और उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रभावित चिकित्सालय गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय को आज यहाँ पर एम्बुलेंस, कार्डियक बैंक और ब्लड बैंक जुड़ी हुई वैन की उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज यहाँ पर यह समारोह के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मुझे याद है गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय की स्थापना 2003 में हुई थी, और 2003 से लेकर के लगातार चिकित्सालय ने अपने परामर्श चिकित्सकों, रेजिडेंट चिकित्सकों, अन्य कर्मियों की मदद से सेवा की जो एक मिसाल प्रस्तुत की है, वह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रतिदिन 1000 से 1500 मरीज गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में विभिन्न परामर्श चिकित्सकों की परामर्श देता है। 250 से 300 मरीज प्रतिदिन चिकित्सालय में भर्ती होता है। अपने विभिन्न सेवाओं के माध्यम से लगभग 25 से अधिक स्वास्थ्य की विभिन्न दिशाओं में सुविधाएं यहाँ पर बहुत सस्ते दाम पर प्रत्येक मरीज को उपलब्ध होती है। हम इसे सम्मान कर सकते हैं कि मात्र 30 रुपए का ओपीडी कार्ड चिकित्सालय का होता है, 30 रुपए में एक महीने तक वह किसी भी चिकित्सक को पेशेंट दिखा सकता है और बेहतर परामर्श और चिकित्सा सुविधा का लाभ भी ले सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आईसीयू कैसे होना चाहिए गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय की उसकी नींव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा यहाँ के मरीजों को अब तो होनी चाहिए, इसकी शुरुआत गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ने प्रारंभ की। ब्लड बैंक की बेहतर सुविधा, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, और अगर सरकारी क्षेत्र में संभव नहीं तो निजी क्षेत्र या प्रमाण क्षेत्र में भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ने इसकी शुरुआत की। मानकों को आगे बढ़ाने के लिए सभी हमारे अधिकारी गण, चिकित्सक गण, सभी कर्मी गण
इस सेवा भाव के अस्पताल लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बेहतर उदाहरण है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रगति हुई और खासतौर पर आज जब आयुष्मान भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जब प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि अब हर गरीब व्यक्ति को वर्ष में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देश के अंदर करोड़ों लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में छोटे से परिवार भी इससे कवर हो सके, इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का हो, मौजूदा चिकित्सालयों की क्षमता वृद्धि करने का हो, इस पर भी बेहतर कार्य आज प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार के साथ साथ प्रमाणित संस्थाओं को, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि हर एक कार्य पर सरकार पर निर्भरता से ही सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। जब प्रत्येक व्यक्ति मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएगा तो हम लोग एक बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकते हैं, और वह भी तब जब सरकार के स्तर पर आयुष्मान भारत जैसी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा और गरीब को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था जब प्रारंभ की गई हो। और मैं इस अवसर पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध करवाई। खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ की आबादी में अनेक ब्लड बैंक होंगे, लेकिन नाकों की जो बैंकिंग है उसमें जो 3 बेहतर ब्लड बैंक हैं उनमें से जो गोरखनाथ चिकित्सालय का ब्लड बैंक, और मुझे लगता है कि अब तक हरमार के निजी क्षेत्र के ब्लड बैंकों बाहर ब्लड डोनेशन के कैंप लगाने की अनुमति नहीं, लेकिन यदि वॉलेंट्री डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जब निर्णय लिया तो उन स्थितियों में गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक में भी एक ब्लड डोनेशन बैंक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और उस कार्य को मुझे लगता है कि बाहर भी बेहतर कैंप लगाया जा सके और ये ब्लड डोनेशन को हम वॉलेंट्री डोनेशन को बढ़ावा दे सके, जिससे यह एक प्रयास कॉर्पोरेशन और गोरखनाथ चिकित्सालय के द्वारा जो प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि इससे पेशेवर जो रक्तदाता है जो तमाम प्रकार की बीमारियों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसको रोकने में मदद मिलेगी और हम वॉलेंट्री डोनेशन की मदद से तमाम लोगों को एक नया जीवन इस प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से दे सकेंगे। कार्डियक बैंक की उपयोगिता कितनी हो सकती है, मुझे लगता है कि मैंने उत्तर प्रदेश में सरकार के मुखिया के रूप में इस कार्य को बहुत प्रत्यक्ष अनुभव किया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार आने के पहले राज्य में जनपदों में सरकार के स्तर पर सरकार के पास कोई भी कार्डियक बैंक नहीं हुआ था। हम लोग आए, भारत सरकार लेना चाहती थी, पिछली सरकारें नहीं लेना चाहती। हम लोगों ने जब पहल की तो हमें 150 कार्डियक एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गए। भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से 150 कार्डियक एम्बुलेंस प्राप्त हुई। हमने 75 जनपदों में 2 एम्बुलेंस कार्डियक एम्बुलेंस प्रत्येक जनपद को दी। मैं एक वर्ष के बाद जब इनकी समीक्षा कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वर्ष में हम लोगों ने 150 कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से 78,000 लोगों के जीवन में एक नया दान उनको जीवन का करने का प्रयास किया, क्योंकि एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति के लिए या कहीं भी कार्डियक अरेस्ट से जो व्यक्ति पीड़ित है उसके लिए जो गोल्डन आवर है, अगर उस समय हम उसको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा या उसको हम जीवन रक्षक प्रणाली तक नहीं पहुंचा सकते तो उसकी जान जा सकती है, और उसमें कार्डियक बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें योग्य टेक्नीशियन रह जाए, चिकित्सक हो जाए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस चीज को अनुभव किया। इसी प्रकार से अन्य एम्बुलेंस की सेवाओं को हम रिस्पॉन्स टाइम कितना कम कर सके,
सरकार ने अपने स्तर पर 108 102 प्रारंभ किया, लेकिन उस सब के बावजूद सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र और धर्मार्थ क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं एक साथ मिलकर के अगर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ जाएं, तो रिस्पांस टाइम जो अभी तक 16 से 20 मिनट का है, इसको 10 से 12 मिनट में लाया जा सकता है। 10 से 12 मिनट का मतलब ढेर सारे लोगों के जीवन को बचाने और उनको नया जीवन दान देने में एक बड़ी भूमिका का निर्माण किया जा सकता है। सीएसआर फंड का इससे बेहतर उपयोग दूसरा नहीं हो सकता कि हम लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के सामने एक कार्य कर सकें। और मुझे विश्वास है पावरट्रिक कॉर्पोरेशन ने सीएसआर के कार्यों के माध्यम से जिस प्रकार के बेहतर स्थिति लाने का प्रयास किया है, यह कार्यक्रम इसी प्रकार से निरंतर चलते रहेंगे। मैं मुख्य कार्यपालक निदेशक श्री आर के सिंह जी का, मनीष श्रीवास्तव जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से साधुवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सीएसआर का एक अभियान प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे। एक बार पुनः जहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को इस कार्य के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ, वो गोरक्षनाथ चिकित्सालय और इससे जुड़े हुए सभी चिकित्सकों को, सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये आयोजन उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाले समय में अपनी धर्मार्थ सेवाओं को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, इस विषय हमारे लिए अवसर भी है। आप सबकी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।